की भिलाई में गोलेकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बीएसपी के अधिकारी पहुंचे थे और गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी है उसका मकान तोड़ा जा रहा है। दो दिन पहले आरोपी ने दो लोगों को गोली मारी थी। भिलाई के सेक्टर 6 में ये कार्रवाई जारी है। गोलीकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बीएसपी के अधिकारी पहुंचे हैं। गोलीकांड के जो मुख्य आरोपी है उसके मकान को तोड़ा जा रहा है। दो दिन पहले ही आरोपी ने दो लोगों को गोली मारी थी जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो गोलीकांड के जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बीएसपी के अधिकारी पहुंचे हुए थे लेकिन यहां पर आक्रोश भी देखने को मिला लोगों का। गोलीकांड के मुख्य आरोपी का जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। अवैध तरीके से उसने मकान बना रखा था जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसने दो दिन पहले ही दो लोगों को गोली मारी थी। दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी और बदमाशी करने की जो पूरी कोशिश है वो रची जा रही थी। हालांकि समय रहते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये अवैध तरीके से जो मकान बनाया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं मौके पर। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जो दो लोगों को गोली मारी थी इस आरोपी ने, उसके बाद पता चला कि अवैध तरीके से मकान बनाकर ये रह रहा था, अब उस मकान को भी तोड़ा जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो गोलीकांड का मुख्य आरोपी है अमित जोश, उसका जो है निवास भिलाई के सेक्टर 6 में है, वो जहां पर भिलाई टाउनशिप का एरिया कहलाता है, भिलाई स्टील प्लांट का ये एरिया कहलाता है, उसने वहां पर अवैध रूप से सामने अतिक्रमण करके रखा हुआ था जिसको आज तोड़ने के लिए आज भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान भी मौके पर पहुंचे और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको बुलडोजर की सहायता से गिराने का ये कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमित जोश है वो गोलीकांड का मुख्य आरोपी रहा है, जिसने ही गोली चलाई थी। दो युवक घायल हुए थे। भिलाई के ग्लोब चौक में ये पूरी घटना दो दिन पहले घटित हुई थी जब रात में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि अमित जोश है जो आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसने गोली सीधा पिस्टल निकाला और दो लोगों पर फायर कर दिया था। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनका इलाज अब भी चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच की जा रही है। दो आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो मुख्य आरोपी और उसका एक सहयोगी वो अब भी फरार है लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन में है और जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है जो भी फरार आरोपी हैं। दूसरी ओर यदि बात किया जाए प्रशासन की तो प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप के क्षेत्र में जहां पर इसका घर है वहां पर अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो उद्देश्य एकदम साफ है कि जो भी अपराधी किस्म का व्यक्ति है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये तय हो चुका है। तो देखने वाली बात होती है कि आज जो एक्शन ये लिया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ में, उसके बाद पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। पुलिस ने दावा जरूर किया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। पेपर लीक पर मोहन सरकार सख्त, दोषी पर 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की होगी जेल, आरोपी की प्रॉपर्टी अटैच जब्त की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैक टू बैक बैठक, किसान कल्याण कृषि विकास विभाग की देंगे बैठक, पीएम फसल बीमा सहित योजनाओं की रिपोर्ट लेंगे। नक्सलियों को मार गिराने वालों का प्रमोशन, पुलिस के 28 जवानों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, सरकार देगी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। पेंड्रा में शुरू हुई निगम के परिसीमन की तैयारी, 2 नगरपालिका 1 नगर पंचायत बनेगा, जिला कलेक्टर ने दिए अपग्रेडेशन के निर्देश। एमपी को जल्द मिलेगा नया प्रशासनिक मुखिया, 2 सीनियर IAS मंत्रालय से हुए बाहर, विनोद कुमार JN कंसोर्टिया मंत्रालय से बाहर। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, कई लोगों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में बजा बिलासपुर का डंका, डेटा तकनीक के उपयोग में
देश भर में पांचवा स्थान। 100 स्मार्ट शहरों में बिलासपुर ने बाजी मारी। राजधानी भोपाल में आरटीओ बैरियर पर वसूली विवाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। डिंडौरी में घर में सो रहे बुजुर्ग की हत्या, धारदार हथियार से गर्दन पर किया वार, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। शहडोल में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। भिलाई गोलीकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरी, हादसे में एक की मौत, 8 लोग घायल। कांकेर में बाल बाल बची युवक की जान, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार से ऊपर से गुजरा ट्रक। धार में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। धामनौत के गणपति घाट की घटना। ग्वालियर में खनिज विभाग पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, मुरार पुलिस ने आरोपी कान्हा यादव को पकड़ा। दुर्ग में जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, युवक पर चाकू से किया था जानलेवा हमला। जांजगीर चांपा में रेल यात्री परेशान, 8 जुलाई तक 14 ट्रेन रद्द, तीसरी चौथी रेल लाइन विस्तार के कारण ट्रेनें रद्द। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराया, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। कोरबा में आपस में भिड़े मकान मालिक और किराएदार, पेचकस लेकर मारने के लिए दौड़ी महिला, पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज। सूरजपुर में मवेशी तस्करों को लोगों ने पकड़ा, स्थानीय लोगों ने 15 मवेशियों को कराया आजाद, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नवापारा का मामला। राजनांदगांव में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाल बाल बची बाइक सवार युवक की जान। डोंगरगढ़ में गैस एजेंसी तिहारा पर हादसा। श्योपुर में 7 महिला समेत 14 किसानों पर केस दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। बलरामपुर में स्कूल से नदारद शिक्षकों पर एक्शन, स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा। इंदौर सड़क हादसे में प्रैक्टिस कर रही डॉक्टर की मौत, डॉक्टर ने ट्रक को मारी टक्कर, स्कूटी पर बैठी दोस्त को भी चोट आई। ग्वालियर में ट्रक से 24 गोवंश बरामद, इंदौर ले जाया जा रहा था ट्रक, यूपी के रहने वाले दो तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में मॉनसून से पहले पैर पसारने लगा है डेंगू, डेंगू के 13 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। कोंडागांव में एटीएम के पास गंदगी से लोग परेशान, गंदगी और बदबू के बीच लोग पैसे निकालने को मजबूर। कोरिया में जिला अस्पताल अधीक्षक निलंबित, ऑपरेशन के लिए मरीज से मांगे थे पैसे। बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान की शुरू हुई प्रक्रिया, संग्राहकों को 30 करोड़ से ज्यादा का होगा नगद भुगतान। बिलासपुर में शातिर चोर गिरफ्तार, 22 जगहों पर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। कोरबा में डॉक्टर के घर चोरों का धावा, 1.5 लाख का सामान, हजारों की नकदी पार। टंडरा में ससुराल गए दामाद पर युवक ने किया जानलेवा हमला, आपसी रंजिश बताई जा रही है वजह। बिलासपुर में नशीली दवा पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, ठेकेदार ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। शिवपुरी में सड़क पर निकला मगरमच्छ, सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ। बलरामपुर में घर में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप, दहशत में आए लोग। बलौदाबाजार में हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों के दल ने मकान को किया तहस नहस, वन विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली बहुत बड़ी राहत, जल जमाव की वजह से लगा जाम। जबलपुर में पहली बारिश ने खोली इंतजामों की पोल, बारिश के दौरान कई घरों के अंदर घुसा पानी, शहर के कई इलाकों में आई बारिश की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार, प्रदेश में करीब हर जगह हो रही है बारिश। जगदलपुर में बारिश से खुली निगम की पोल, सड़कों पर फैला नाली का कचरा। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर हादसा, ड्रॉप एंड गो जोन में कार पर गिरा शेड। धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, सरकारी जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। जांजगीर चांपा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, स्कूल के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण। धार में भोशाला का संपूर्ण सर्वे पूरा, देवी और ब्रह्मा जी की प्रतिमा के मिले अवशेष, आगामी आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी भोशाला। जशपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से ग्रामीण की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का है आरोप। भिंड में किसान के घर निकला मगरमच्छ, घर वालों ने भागकर जान बचाई। छतरपुर में प्रतिबंधित मांस किया गया जब्त, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पकड़ा मांस। कोरबा में सुसाइड नोट लिखकर युवती ने की खुदकुशी, ज्वेलर्स की दुकान में काम करती थी युवती।
कवर्धा में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा ने लगाई फांसी, परीक्षा में फेल होने पर उठाया खौफनाक कदम। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां गोवंश को कार से कुचलने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था इस पर, जहां एक कार चालक जो है बार बार गोवंश को कुचल रहा था। आरोपी कार चालक शेख शाहिद गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने पुष्टि की है। मामले में हिंदू संगठन और गो सेवक संगठनों ने एसपी कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, तो काफी ज्यादा आक्रोश यहां दिखाई दिया था। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, एक गोवंश जिसे बार बार जो कार चालक है वो कुचलता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो जब वो यहां से गुजरा तो गोवंश जो है वो नहीं कुचल पाया, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए वो दोबारा से कुचलने की कोशिश करता है रिवर्स करके। सोची समझी साजिश, सोची समझी करतूत दिखाई दे रही है इसमें। और ये वो युवक आपको दिखा रहे हैं, शेख इसका नाम बताया जा रहा है, शेख शाहिद। शेख शाहिद को गिरफ्तार किया गया है और एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने पुष्टि की है। और अब इसके इरादे को, इसके शौक को और इसकी नियत के बारे में पूछताछ जानने की कोशिश की, आखिर ये चाह क्या रहा था। मामले में हिंदू संगठन और गो सेवक संगठनों ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया और लगातार ये मांग उठाई गई कि इसमें गिरफ्तारी के बाद कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। कार से गोवंश कुचलने के मामला अब गरमाता जा रहा है और गो सेवकों ने एसपी कार्यालय को घेरा है। गो सेवकों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई की भी मांग की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। आरोपी कार चालक इस पर कार्रवाई की मांग और इसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग चल रही है कि आखिर कैसे इसने ये कोशिश भी की। एक गोवंश जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, जानबूझकर रिवर्स करके गाड़ी एक बार फिर से लाया गया। बीच सड़क पर देख सकते हैं आप ये तस्वीर। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सबूत तो सामने है कि आखिर कैसे पूरे इरादे के साथ नुकसान पहुंचाने की कोशिश गोवंश को की गई थी और अब इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी? देखिए, पशु क्रूरता की ये वो तस्वीर थी जिसको देखकर हर कोई यही कह रहा था कि जल्द से जल्द इस कार चालक की गिरफ्तारी हो। पुलिस ने जांच किया सीसीटीवी कैमरे पर, जिस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया और वो जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, उसके आधार पर गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया गया और नंबर जो है वो शेख शाहिद के नाम पर निकला। और यानी कि जो शेख शाहिद है उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पूरी घटना तोरवा तारबहार थाने चौक के पास की घटना थी। पुलिस ने दो दिन लगातार इस आरोपी की सीसीटीवी कैमरे के जरिए तलाश की और कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि न्यूज 18 ने भी प्राथमिकता से इस खबर को दिखाई थी और ये अपील की थी कि जल्द से जल्द जो हिंदूवादी संगठन है और जो गौवंश है उन्होंने अपील की थी चैनल के माध्यम से कि इनकी गिरफ्तारी हो। पुलिस ने इसे देर रात गिरफ्तार कर लिया है और अब इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल इसकी मंशा क्या थी, इसने क्यों इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसको लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पशु क्रूरता की ये वो तस्वीर थी जिसको सभी को झकझोर कर रख दिया था। एक मासूम महज 20 दिन का वो बछड़ा था जिसको उसने कुचलकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर मिथिलेश कि आखिर इतना समय क्यों लगा और आरोपी तक पहुंचने के लिए किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? और जब गिरफ्तारी कर ली गई है तो फौरन से क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है जब किसी की जान पर बात आई यहां? जब ये पूरी घटना हुई, ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, इसके बाद ये जो वीडियो है और ये जो जानकारी है गौ सेवकों को लगी, हिंदू संगठनों को लगी, इसको लेकर बछड़े को लेकर उसके शव को लेकर थाने में घेराव किया गया। उसके बाद पुलिस ने उस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, फिर उसके बाद कड़ी दर कड़ी जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। जहां आरोपी रहता था उसके घर के ठिकाने पर भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो वहां से फरार मिला, जिसको लेकर
लेकर लगातार जो है आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था कि आरोपी की दो दिन हो गई घटना को हुए और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिहाजा यही वजह है कि कल जो है हिंदूवादी संगठन और गौ सेवक जो है एसपी और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कड़ी चेतावनी दी, अगर उसकी उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिर उसके बाद पुलिस ने देर रात अपनी टीम बढ़ाई और एक टीम गठित करके उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है वजह क्या थी, उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया और उसको लेकर जो है अभी भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन ये जो ऐसी हैवानियत भरी जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो सभी को झकझोर कर रख दिया था। वो एक पशु जो बेजुबान है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसको लेकर जो हिंदूवादी संगठन और गौ सेवक वो सामने आकर इस पूरे मामले को उठाए थे। अब देखना यह है कि जो गौ सेवक और हिंदूवादी संगठनों की एक और मांग है कि वो जो शेख शाहिद है वो अवैध रूप से एक मकान बनाकर रह रहा था, उसके घर पे बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। तो ये देखना होगा कि निगम किस तरीके से अभी एक्शन लेता है, क्या जांच करता है और क्या बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। कोरबा में डॉक्टर के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया और 1.5 लाख का सामान, हजारों की नकदी चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के विकास नगर का यह मामला है और इस पॉश कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और वो भी एक डॉक्टर के घर पर चोरों ने धावा बोला। देखिए तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज कैसे बड़े ही शातिराना अंदाज में जो चोर हैं वो घर में दाखिल होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और यहां से सामान लेकर फरार हो जाते हैं। कौन है, कहां से आए थे, इस बारे में भी जांच चल रही है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्योपुर जिले के विठलपुर और मांकना खेड़ली गांव के 14 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में 7 महिलाओं का भी नाम शामिल है। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और पटवारी के साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को पुलिस प्रशासन की टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए गई थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया, जिसकी वजह से प्रशासनिक अमले को बेरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से वो लोग इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, अब प्रशासन इसे खाली करवा रहा है। और अब बात जांजगीर चांपा की करेंगे, जहां रेल यात्री परेशान हैं। 14 ट्रेनों को 29 जून से 8 जुलाई के लिए कैंसिल किया गया है। यात्री परेशान हो रहे हैं, तीसरी और चौथी रेल लाइन विस्तार के कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। लोकल ट्रेन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटे लेट चल रही है। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ रूट के सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। पेंडरा जिले में नवंबर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पेंडरा, गौरेला और नगर पालिका मरवाही को नगर पंचायत में अपग्रेड को लेकर निर्देश दिए गए। पेंडरा और गौरेला दोनों नवगठित नगर पालिका और एक नगर पंचायत मरवाही के परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर लीना मंडावी ने वार्डो के परिसीमन के निर्देश दिए। गौरतलब है कि साल 2020 में तत्कालीन सरकार ने निगमों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी। बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान से संग्राहकों के चेहरे खिल गए हैं। नगद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने बीते दिनों बीजापुर सहित सुकमा और नारायणपुर में नगद भुगतान की घोषणा की। बीजापुर जिले के 28 समिति के 30,464 संग्राहकों को 30 करोड़ से ज्यादा का नगद भुगतान किया गया है और कुछ को किया भी जाएगा आगे, और ऐसे में तेंदुपत्ता संग्राहकों के चेहरे खिल उठे। और आपको जो है कैश पैसा, नगद पैसा दे रहा है जिनको आप ये तेंदुपत्ता पारिश्रमिक में नगद भुगतान किया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों की, जो कि नगद लेते नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनके बैंक अकाउंट नहीं होते और ऐसे में इन तमाम सुविधाओं की कमी की वजह से उन्हें उनका जो हक है वो नहीं दिया जा पाता।
और ऐसे में चेहरे खिल उठे हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों की, उन्हें नगद भुगतान किया गया। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि आगे भी चलेगी। कोंडागांव से खबर है, एटीएम के पास गंदगी से लोग परेशान हो चुके हैं। गंदगी और बदबू के बीच लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। लोगों ने सफाई की मांग की है लेकिन बैंक सफाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये एटीएम है, कोई कचरा खाना नहीं है, ना ही कोई कचरे का डिब्बा रखने की जगह, ये ना कूड़ादान है, ये एटीएम है। और एटीएम के पास आप देखिए गंदगी का अंबार, लोग परेशान हैं। पैसे निकालने जाते तो हैं लेकिन पहले इस गंदगी से, इस बदबू से जूझना पड़ता है लोगों को। लोगों ने सफाई की मांग की है और बैंक है कि सफाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा। और भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल में 68 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी चुका दिया। भारतीय टीम ने कुल तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, इसके बाद इंग्लैंड की टीम सिर्फ 103 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच जीतते ही भारतीय टीम ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में किसी भी टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है और अब 29 जून को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका से खिताबी भिड़ंत होगी। कोई बात नहीं, वो फाइनल के लिए, फाइनल में चलने वाला है। विराट कोहली टीम में फाइनल में खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका के सामने अभी फॉर्म में है, उसको उड़ा के लेके जाएंगे। ये टीम की बॉलिंग में क्या बोलेंगे? बॉलिंग में बॉलिंग तो चली जाएगी, हमको मालूम ही था। बाबू अक्षर पटेल ने बढ़िया बॉलिंग किया, कुलदीप ने बॉलिंग किया, हार्दिक पांड्या की तो जरूरत ही नहीं हमको पड़ी। और अफ्रीका को हम 90 में उड़ा के लेके चलेंगे, ये वन साइड गेम करके। दोनों से बदला कम्प्लीट किया, बदले की बात ही नहीं है, अच्छा खेला था वहाँ भी, तो ठीक है जीत जाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका के साथ खेली तो हर चैंपियनशिप चैंपियन जैसे ही खेली है, अनलकी रहे बट आगे जीतेंगे, ये जीतेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।